हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 2 जो कि बल है उसका न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने जो अध्ययन किया है वो बल, बल का प्रकार, फिर हम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन के गति विषयक नियम को, और संवेग पढ़ा है, आवेग पढ़ा है। इसके पहले हम लोगों ने गति वाला चैप्टर पढ़ा है, तो गति में हम लोगों ने गति का समीकरण का अध्ययन किया है। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है वो गति के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स से मैच करने वाले न्यूमेरिकल्स हैं, यानी गति का जो हम समीकरण पढ़े थे, गति के जो 2-3 समीकरण हम लोगों ने पढ़ा था, उस समीकरण का हेल्प लेकर हमें इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करना है। हम लोगों ने इस चैप्टर्स में जो फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूले को हम लोग देख लें। पहले क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है देखिए। यहाँ पर हम लोगों ने F बराबर ma का अध्ययन किया है, F बराबर ma का। न्यूटन का गति विषयक जो नियम है उसमें हम लोगों ने F बराबर ma पढ़ा है, और संवेग हम लोगों ने पढ़ा है, संवेग जो पढ़ा हम लोगों ने, संवेग p बराबर mv का अध्ययन हम लोगों ने किया है। आवेग पढ़ा हम लोगों ने, आवेग पढ़ा है i इक्वल टू f इंटू डेल्टा t का पढ़ा है। तो ये तो इस चैप्टर के फार्मूले हो गए। इसके पहले वाले चैप्टर में जो गति से रिलेटेड था उसमें हम लोगों ने गति के समीकरणों का अध्ययन किया था, जो कि v बराबर u प्लस at है, और s बराबर जो है ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है। ये रेखीय गति के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, और इसी तरह से हम लोगों ने गुरुत्व के अधीन भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें a के जगह पर हम लोगों ने g का प्रयोग किया था। ये चीज हो गया। उसके बाद से भार के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, भार बराबर होता है mg, mg होता है भार। भार के विषय में आपको बताया गया था कि भार उसे कहते हैं, उस बल को कहते हैं जिस बल से पृथ्वी किसी पिंड को अपने ओर, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसको भार कहते हैं। तो इन्हीं सब सूत्रों का प्रयोग करके हम लोगों को ये जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। तो आइए हम एक एक करके इन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। देखिए हमारा जो न्यूमेरिकल्स है, पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, 10 न्यूटन का बल 2 की ग्रह के एक पिंड पर कार्य कर रहा है, पिंड में उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। 10 न्यूटन का बल है, 2 की ग्रह के एक पिंड पर कार्य कर रहा है, पिंड में उत्पन्न त्वरण की गणना करनी है। तो देखिए जो न्यूमेरिकल है उसमें जो डाटा हमको गिवेन होता है, सबसे पहले हम उस डाटा को लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो सोल्यूशन है हमारा उसको देखिए, 10 न्यूटन का बल, बल को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। कितना दिया है, 10 न्यूटन, कैपिटल एन को हम क्या कहते हैं, इस कैपिटल एन को न्यूटन बोलते हैं, ध्यान देंगे। 2 की ग्रह के पिंड पर द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान दिया हुआ है जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, 2 की ग्रह दिया हुआ है, 2 की ग्रह, इसको आप पूरा पूरा न्यूटन लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। त्वरण की गणना करना है, त्वरण क्या होता है, त्वरण a होता है, इसकी हमें क्या करनी है, क्वेश्चन मार्क मतलब उसकी गणना करनी है, उसको फाइंड करना है। तो क्या होगा, हमने न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम को पढ़ा है, यहां लिखेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम लोगों ने F बराबर पढ़ा है m इंटू a। देखिए हमारा फार्मूला है F इक्वल टू m इंटू a, तो यहां से हमको त्वरण मिल जाएगा, देखें तो a बराबर हमको मिलेगा F अपान m। ये क्वांटिटी जो m है जब बराबर किधर आएगी तो आपके बटे हो जाएगी, तो कितना मिलेगा, a बराबर मिलेगा f अपान में m, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास देखिए f की वैल्यू है 10 न्यूटन और m की वैल्यू है 2 की ग्रह, इसमें उस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें, मान रख दें 10
और बटे में है कितना, दो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, फाइव। ये फाइव क्या है, त्वरण है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कभी भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मात्रक लिखना बहुत अनिवार्य होता है, मात्रक जरूर लिखते हैं, अन्यथा उस राज के विषय में जानकारी नहीं हो पाती है कि वह राज किसे प्रदर्शित कर रहा है। तो यह था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें 10 न्यूटन का बल था तो की ग्रह के पीठ पर कार्य कर रहा था, तो उसमें उत्तपन त्वरण बताना था, तो ये आपका त्वरण हो जाएगा। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को मैनेज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एक वस्तु का द्रव्यमान 12 किग्रा है, पृथ्वी उसको कितने बल से, यहाँ से छुटा हुआ है, कितने बल से अपनी ओर आकर्षित करेगी। यहाँ पर आप से लगा सकते हैं, से। एक वस्तु का द्रव्यमान 12 किग्रा है, पृथ्वी उसको कितने बल से अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो अभी आपने पढ़ा कि पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी बल को उस पिंड का भार कहते हैं, जिसको W से डिनोट करते हैं। तो देखिए वस्तु का द्रव्यमान, दूसरा जो न्यूमेरिकल है, दूसरा जो न्यूमेरिकल है, देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना है, 12 किग्रा। और जब पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी त्वरण को हम लोग ले लेंगे, जो कि एक नियतांक होता है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर हम ले सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ध्यान देंगे, और ये 12 किग्रा है। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसे हम पिंड का भार कहते हैं, ठीक है। तो भार के बराबर, पृथ्वी जो होती है वस्तु पर उसके भार के बराबर बल लगाती है, यह हम लिख देंगे। चूंकि पृथ्वी किसी वस्तु पर उसके भार के बराबर बल लगाती है, भार के बराबर बल लगाती है, पृथ्वी किसी वस्तु पर उसके भार के बराबर बल लगाती है, अतः पृथ्वी द्वारा आरोपित बल लिख सकते हैं, पृथ्वी द्वारा आरोपित या लगाया गया बल। आकर्षित करने की बात कहा है तो लिख सकते हैं आकर्षण बल। तो हम इसको डिनोट करेंगे F बराबर mg से। हालांकि F यहाँ W लिखना चाहिए, पर जब हम सब कुछ कंफर्म कर चुके हैं तो W लिखें F लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो mg कितना हो जाएगा, M की वैल्यू है 12 और G की वैल्यू है 10। सॉल्व करेंगे तो 120, और बल है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं, कि ग्राफ भार लिख सकते हैं। तो बल लिखेंगे तो हमें यहाँ पर न्यूटन लिख देंगे, न्यूटन। तो पृथ्वी जो है 120 न्यूटन का आकर्षण बल इस 12 किग्रा के पिंड पर लगाएगी। तो ये इस तरह से हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं, हम इसको इरेज कर लेते हैं। हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखें, 6 किग्रा का एक पिंड स्थिर अवस्था में रखा है, दिया है कि उसे उस पर कितना बल लगाया जाए कि उसमें 4 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाए। 6 किग्रा का कोई पिंड है जो कि विरामावस्था मतलब स्थिर अवस्था में रखा गया है,
उस पर कितना बल लगाया जाए कि उसमें 4 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाए। आपको बताया गया था कि अगर कोई पिंड गति कर रही है तो निश्चित ही उस पर कोई ना कोई बल लगा होगा, या पिंड तभी गति करती है जब वो किसी न किसी बल के अधीन होती है। अर्थात रुका हुआ पिंड है तो जब तक उस पर बल ना लगाया जाए तब तक वो गति नहीं कर सकती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई पिंड है 6 किग्रा का जो कि विरामावस्था स्थिर अवस्था में रखा गया है, उस पर कितना बल लगा दें कि 4 सेकेंड के बाद वो 4 मीटर पर सेकेंड का वेग उत्पन्न कर ले। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोगों ने बल, द्रव्यमान, त्वरण, वेग, आवेग, संवेग के विषय में पढ़ा है और इसमें क्या दिया है, मीटर पर सेकेंड का वेग पूछ रहा है। इसका मतलब हमें गति वाले चैप्टर से गति के समीकरण का हेल्प लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखें कि हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। देखिए 6 किग्रा का एक पिंड है तो सबसे पहले द्रव्यमान लिखते हैं, द्रव्यमान जो कि कितना है 6 किग्रा, 6 किग्रा है द्रव्यमान, स्थिर अवस्था में रखा है। देखिए विरामावस्था में है तो वेग क्या हो जाएगा, विरामावस्था के लिए प्रारंभिक वेग जो होता है, प्रारंभिक वेग वो हो जाता है, यू से डिनोट करते हैं और वो हो जाता है 0। विरामावस्था के लिए प्रारंभिक वेग को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। आगे देखिए कितना बल लगाया जाए, बल का मान हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क, बल के मान को हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और कह रहा उसमें 4 सेकेंड में, समय देखिए दे दिया है, समय टी बराबर दे दिया है 4 सेकेंड और वेग दिया है अंतिम वेग दिया हुआ है जिसको वी से हम लोग डिनोट करते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड जिस तरह मन करे हिंदी इंग्लिश में मात्रा लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमको क्या क्या दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, प्रारंभिक वेग मान लीजिए हमने निकाल लिया, समय पता है, वेग अंतिम वेग पता है, बल पूछ रहा है। और हम जानते हैं कि जो बल का संबंध है वो त्वरण से है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो F बराबर किसका है, एम ए का। तो एम तो हमको पता ही है, द्रव्यमान को हम एम से डिनोट कर रहे हैं तो एम तो हमको पता ही है, किसकी कमी है, ए की। तो देखिए गति के समीकरण प्रथम समीकरण को लगाएं बी बराबर यू प्लस ए टी का तो हमको क्या होगा, त्वरण मिल जाएगा। और जब त्वरण मिल जाएगा तो हम इसमें रखकर क्या कर सकते हैं, बल का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से क्या होता है, बी बराबर U प्लस ए टी होता है, V बराबर U प्लस ए टी। अब यहाँ देखिए ध्यान से, V पता है, U पता है, T पता है तो A निकल जाएगा आसानी से। तो V की वैल्यू कितनी है, देखिए V की वैल्यू है 4, V की वैल्यू कितनी है 4, U की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए U की वैल्यू है 0, U की वैल्यू है 0 प्लस A और T की वैल्यू देखिए कितनी है, T की वैल्यू 4 सेकेंड है तो यहाँ पर हम 4, तो देखो 4 बराबर कितना मिलेगा, 4 ए मिलेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर कितना मिलेगा 1। और हमको पता है कि त्वरण जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, अतः बल हमको निकालना है। अतः पिंड पर आरोपित बल, आरोपित बल यह बराबर हो जाएगा m इंटू ए, एम की वैल्यू कितनी है देखिए 6 किग्रा और त्वरण कितना है a, तो कितना मिलेगा 6 न्यूटन, कितना आ जाएगा 6 न्यूटन हमको मिल जाएगा, 6 न्यूटन f बराबर ma का इस्तेमाल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 6 न्यूटन मिल जाएगा। तो ये चीज ध्यान देंगे, सभी प्रश्न जो हैं आसान आसान हैं और जो जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें वो सब थ्योरी भी आसान है और देखेंगे तो खूब बढ़िया से आप इसको लगा सकते हैं।
तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है क्या दिया है, उस बल की गणना कीजिए जो एक मोटर गाड़ी 12 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड का वेग प्रदान कर सके। मोटर गाड़ी का द्रव्यमान 1000 किग्रा। यहां पर देखिए उस बल की गणना करना है जो एक मोटर गाड़ी, यहां पर को छूट गया है, मोटर गाड़ी को 12 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड का वेग प्रदान कर सके। मोटर गाड़ी का द्रव्यमान दे दिया है तो हमें F बताना है। मोटर गाड़ी का देखिए टाइम 12 सेकेंड है, अंतिम वेग दिया है 30 मीटर पर सेकेंड और द्रव्यमान है हमारे पास 1000 किग्रा। तो सब कुछ इस सवाल में भी एकदम उसी तरह का, अभी हमने जो तीसरा सवाल लगाया है उसी का एक बदला हुआ रूप है, इसमें भी F पूछ रहा। ठीक है, तो हम देखें पहले हमको क्या गिवन है, हमको क्या दिया गया है। टाइम दिया हुआ है 12 सेकेंड। तो देखिए समय टी बराबर क्या है 12 सेकेंड। ओके, वेग दिया है, देखिए अंतिम वेग दिया है, ये अंतिम वेग भी बराबर 30 मीटर प्रति सेकेंड दिया है और द्रव्यमान दिया है मोटर गाड़ी का, मोटर गाड़ी का द्रव्यमान इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे, 1000 किग्रा दिया हुआ है, किग्रा 1000 किग्रा। देखिए क्या चाहिए हमको, बल का मान पूछ रहा है, बल का मान पूछ रहा है यहां पर हमसे बल का। तो सवाल में फिर से वही चीज, V है, T है, M दिया है और F पूछ रहा है, इसका मतलब त्वरण। अगर हमको त्वरण मिल जाए तो बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, बल को प्राप्त कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ये अंतिम वेग V है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग शून्य होगा और T हमारे पास इतना दे दिया है, तो फिर से गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे। यहां देखिए हम लिख सकते हैं गति के प्रथम समीकरण, समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी। तो देखिए v का मान है हमारे पास 30, u हो जाएगा 0 क्योंकि अंतिम वेग है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग वो 0 होगा क्योंकि नहीं कुछ दिया है। तो और ये हो गया a और t का मान कितना है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड है। a बराबर देखिए ध्यान से कितना आ रहा है 30 और बटन हो जाएगा 12। अगर 6 से हम दोनों को कैंसिल करें तो हमको मिलेगा 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12। तो यहाँ पर हमको a का मान 5/2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए हमको बल चाहिए, लिख देंगे यहां पर, अतः पिंड पर वो क्या है, मोटर गाड़ी है, तो मोटर गाड़ी ही लिख लेंगे, मोटर गाड़ी पर आरोपित बल, आरोपित बल F बराबर एम ए, एम की वैल्यू है हमारे पास 1000 और ए की वैल्यू 5/2। 2 से हम इस 10 को कैंसिल कर दें 5 टाइम्स में तो हमको मिलेगा 500 इंटू 5 इट मीन्स 25, ये क्या हो जाएगा 100 Newton। तो ये रिजल्ट है हमारा इस प्रश्न का। उस बल की गणना करनी थी जो एक मोटर गाड़ी को 12 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्रदान कर सके।
जिस मोटर गाड़ी का द्रव्यमान 1000 की ग्रह था, तो ऐसा आप देख रहे हैं कि गति के समीकरणों का भी हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर पा रहे हैं। और जो इस चैप्टर का बल से संबंधित जो फार्मूले है उसका तो हम इस्तेमाल कर ही ले रहे हैं। तो ये है हमारा चौथा न्यूमेरिकल्स। अब हम देखें पांचवें प्रश्न को। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां देखते हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान 5 की ग्रा तथा वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, वस्तु का संवेग बताना है। एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान है 5 की ग्रा और वेग है 10 मीटर पर सेकेंड, वस्तु का संवेग बताना है। तो ये कितना इजी गोइंग क्वेश्चन है, ये हमारा कितना आसान सवाल है, ये पांचवें नंबर का। वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है, 5 की ग्रा, ओके, और वेग दिया हुआ है। वस्तु का वेग दिया हुआ है जिसको हम वी से डिनोट कर लें, इसको एम से डिनोट कर लें। वी बराबर कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा। तो वस्तु का संवेग पूछा है, वस्तु का संवेग P बराबर क्वेश्चन मार्क। संवेग को आपको बताया गया था कि संवेग को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, और परिभाषा बताया गया था कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। तो यहां पर देखिए संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो देखिए द्रव्यमान कितना है, 5 है, और वेग कितना है, 10 है। तो रिजल्ट कितना आएगा, 5 × 10 = 50, इसका मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक किग्रा और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, तो यही हो जाएगा क्या, संवेग का मात्रक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो इस टाइप के बन सकते हैं। इस बात को अगर आप समझना चाहें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए हमारा 6 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, देखिए उसको, इसको इरेज कर देते हैं, फिर क्लियरली हम देखेंगे। देखिए दिया है 30 न्यूटन का बल 5 की ग्रह के पिंड पर कितनी देर तक कार्य करे कि उसका वेग 12 मीटर पर सेकेंड हो जाए। 30 न्यूटन का एक बल है 5 की ग्रह के पिंड पर, बताना है कि वो कितने समय तक कार्य करे कि उसका वेग जो है 12 मीटर पर सेकेंड हो जाए। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर जो पिंड है पहले रुका हुआ है और उस पर हम 30 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और वस्तु का द्रव्यमान 5 की ग्रह है, तो कितना समय लग जाएगा उसको 12 मीटर पर सेकेंड का वेग अर्जित करने में। आपको पता है कि जब हम वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु गति करने लगती है। अब अगर हम वस्तु पर बल लगाते रहे तो कुछ समय बाद उसके वेग में परिवर्तन होता है, वो गति करने लगता है गति के दौरान। तो वही बता रहा है कि 12 मीटर पर सेकेंड का वेग वो कितने समय के बाद प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, टाइम कितनी देर तक कार्य करे। क्या होता है कि न्यूमेरिकल में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है समझना कि हमसे पूछा क्या गया।
उसी चीज की पहचान करने की जरूरत होती है कि जो भी है हमसे पूछ क्या रहा है और जो पूछ रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में क्या हमको दिया गया। तो आप देख रहे हैं 30 न्यूटन का बल, यानी यह 30 न्यूटन बल है, 5 की ग्रह का पिंड यानी 5 की ग्रह द्रव्यमान है, वेग जो है 12 मीटर पर सेकेंड है, कितनी देर में कार्य करे है पूछ रहा है, टाइम हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बल 30 न्यूटन का बल है तो बल बराबर कितना 30 न्यूटन, ओके एफ बराबर, द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान यम बराबर 5 के ग्रा, द्रव्यमान दिया हुआ है और देखो कि वेग इतना हो जाए मतलब ये अंतिम वेग है, अंतिम वेग भी जो है कि 12 मीटर पर सेकेंड है और देखिए इसका अर्थ हो रहा है तो पिंड पहले उसका प्रारंभिक वेग 0 है तो हम चाहें तो प्रारंभिक वेग 0 लिख सकते हैं, प्रारंभिक वेग जो है उसका कितना हो जाएगा, चलिए ऐसे भी उसका यूज हम दूसरे तरीके से कर लेंगे। और क्या दिया है हमसे, समय पूछ रहा है, समय टी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो बल और द्रव्यमान दे दिया है और हम चाहें तो यू को 0 लिख सकते हैं जो उसकी प्रारंभिक वेग है, यू को प्रारंभिक वेग कहते हैं, 0 हो जाएगा। तो भी है टी है यू है, तो टी हमसे पूछ रहा है, यू भले ही 0 है पर पता तो है यू 12 है और अगर ए हमको मिल जाए तो भी बराबर यू प्लस ए टी से हम इस टी का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ए के निकालने का तरीका एफ दिया है और एम दिया है, तो एफ और एम के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और ए की वैल्यू कैलकुलेट करके हम टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे चूंकि एफ बराबर क्या होता है एम ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज, इसको दिस इंप्लाइज बोलते हैं, ए बराबर हो जाएगा एफ अपान में एम। तो एफ की वैल्यू देखिए अब कितना है 30 है और एम की वैल्यू कितनी है 5 है, अगर इसको कैंसिल करें तो कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए टी चाहिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं फिर से वी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी होता है। तो यहाँ पर देखो 12 दिया हुआ है, U को 0 हम लोगों ने मान लिया है, A का मान कितना निकाला अभी अभी हम लोगों ने 6 निकाला और T हमको क्या करना है बताना है। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 6T, तो 6T बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ या करके लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं 6T बराबर 12, तो T बराबर कितना आ जाएगा 12/6, 12/6 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 2 और टाइम को किस में लिखेंगे हम सेकंड में लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है समय का कैलकुलेशन। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। तो इस तरह से हम देखें तो इस अभ्यास के प्रश्नों को बल और गति के चैप्टर से रिलेट करके आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब आवेग से रिलेटेड हम एक और फार्मूला आपको बता देते हैं, एक और न्यूमेरिकल बता देते हैं। ऐसे देखिए हम एक न्यूमेरिकल बना सकते हैं आपके लिए, यहाँ पर 7 नंबर मान लें, यदि 10 की ग्रह का एक वस्त्र ऐसे लिख लें 10 न्यूटन का एक बल किसी पिंड पर 4 सेकेंड तक कार्य करता है
कार्य करता है तो उस बल का आवेग बताइए, आवेग बताइए। देखिए 10 न्यूटन का एक बल है किसी पिंड पर 4 सेकंड तक कार्य कर रहा है, तो बताना है उस बल का आवेग। तो हमारे पास जो इसका सलूशन है उसमें देखिए ये F है, यह बराबर कितना है 10 न्यूटन, ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमारे पास टाइम है, इसको हम किससे डिनोट कर लेंगे, डेल्टा टी से, जो कि 4 सेकंड है, 4 सेकंड हो जाएगा। और आवेग जो होता है हमको पता है आवेग I बराबर F इंटू डेल्टा टी होता है। आपको बताया गया था कि जब कोई बहुत बड़ा बल सूक्ष्म समय अंतराल के लिए किसी पिंड पर कार्य करता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। मैंने इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी बताए थे अपने रियल लाइफ में, तो उसे भी आप ध्यान देंगे। एफ की वैल्यू है कितना, 10 है एफ की वैल्यू और डेल्टा टी का मान है 4, तो कितना आ जाएगा 40। देखिए बल का होता है न्यूटन और समय का होता है सेकेंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, यहाँ हाइफन लगा देंगे और लिख देंगे क्या, सेकंड। तो ये है आवेग का फार्मूला, आवेग का कैलकुलेशन। इस तरह से जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर के अंतर्गत उससे संबंधित पॉसिबल अंकित प्रश्न हम लोग हमने सॉल्व किया है। और अब हम आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटेड।